सुशांत केस में अब नया ट्विस्ट आ गया है। कल सुशांत के कुछ व्हाट्सएप मैसेज सामने आने के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का उनके पिता से संबंध ठीक नहीं था। उन्होंने सवाल किया कि सुशांत कितने बार अपने पिता से मिले थे। कल ही रिया के वकील की ओर से कुछ व्हाट्सएप मैसेज जारी किए गए थे जिनमें साफ लग रहा था कि सुशांत के परिवार के साथ ताल्लुक ठीक नहीं थे और वो अपनी एक बहन से नाराज भी चल रहे थे। और आज वही बातें अब शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहते हुए कि दरअसल अपने परिवार के साथ सुशांत सिंह राजपूत के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार जो आपको शौक सदमा ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके, मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच वो सच अब सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे। दरअसल शिवसेना इस बात से भी नाखुश है कि सीबीआई जांच की सिफारिश आखिर बिहार सरकार की ओर से क्यों की गई और केंद्र ने इसे स्वीकार क्यों कर लिया। इन सब के बीच जांच की पेचीदगियों के बीच रिया के परिवार और सुशांत के परिवार के बीच अलग तरह की मनोवैज्ञानिक जंग छिड़ गई है। सुशांत का परिवार ये साबित करना चाहता है कि सुशांत रिया और उसके परिवार के शिकंजे में था, जबकि अब रिया के परिवार की तरफ से सुशांत के उसके परिवार के साथ रिश्तों पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। सुसाइड के साथ अब ये आपसे रिश्ते की भी मिस्ट्री बनती जा रही है। रिया के कितने करीब थे सुशांत? अपनी बहनों से कितना प्यार करते थे सुशांत? क्या रिया के चक्कर में बहनों को भूल गए सुशांत? घर के अंदर की लड़ाई व्हाट्सएप पर आई। एक तरफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई और बिहार पुलिस के बाद सीबीआई और ईडी दिन रात एक कर रही है, दूसरी तरफ इस केस में सुशांत के पुराने व्हाट्सएप संदेशों के जरिए इस केस में आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड और सुशांत के परिवार के बीच मनोवैज्ञानिक जंग भी छिड़ी हुई है। कोशिश हो रही है दिखाने की कि सुशांत किनके सबसे ज्यादा करीब थे। इसी सिलसिले में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के कुछ व्हाट्सएप संदेश शेयर किए हैं। इस व्हाट्सएप संदेश से लगता है कि सुशांत का अपनी बहन प्रियंका के साथ झगड़ा हुआ था। रिया ने व्हाट्सएप किया था, हाय मेरा बेबी कैसा है? जवाब में सुशांत ने लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी बहन विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, वही बात जिसे मैं और तुम पीछे छोड़ रहे हैं। वैसे इस मैसेज को देखकर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह को इसकी पृष्ठभूमि का पूरा पता है। उनके मुताबिक रिया ने बहन प्रियंका के खिलाफ सुशांत के कान भरे थे। रिया ने भाई बहनों के बीच रिश्ते तुड़वाने की साजिश रची थी। विकास सिंह के मुताबिक रिया पिछले साल 20 अप्रैल की रात सुशांत की दीदी प्रियंका को जिद करके अपने भाई शौविक की बर्थडे पार्टी में ले गई थी। आरोप है कि वहां से लौटकर रिया ने प्रियंका के खिलाफ सुशांत के खूब कान भरे। रिया ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने उसका साथ 18-19 अप्रैल की दरमियानी रात बुरा सलूक किया था। इस बात पर अगली सुबह सुशांत ने अपनी दीदी प्रियंका के साथ खूब झगड़ा किया। ये व्हाट्सएप भी उसी झगड़े को लेकर है। सुशांत के तेवर देखने के बाद प्रियंका अपने पति के पास दिल्ली वापस लौट आई और सारी बात पति को बताई। विकास सिंह के मुताबिक तब प्रियंका के पति ने सुशांत को बताया कि उस रात वो प्रियंका के साथ ही थी और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अपने जीजा की बात सुनने के बाद सुशांत को अपनी गलती का एहसास हुआ। रिया ने जो सुशांत के आंखों पर पट्टी बांधी थी वो एक झटके में उतर गई। बाद में सुशांत ने प्रियंका को फोन कर रुंधे गले से सॉरी कहा और जल्द से जल्द मुंबई आने को कहा।
सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक उसी समय सुशांत ने अपनी बहन रानी दी को भी मुंबई बुलाया। अगले ही दिन तीनों बहनें सुशांत को चंडीगढ़ लाने के लिए मुंबई पहुंच गई। यहीं सारी बहनों के सामने सुशांत ने रिया पर प्रियंका द्वारा लगाए गए आरोपों पर उसे घेरा। सुशांत ने रिया से पूछा कि जब मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो तुम उन्हें अपने भाई की जन्मदिन की पार्टी में क्यों ले गई? अगर प्रियंका ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की थी तो उसी रात क्यों नहीं बताया जो दो दिन का इंतजार किया? विकास सिंह के मुताबिक रिया की साजिशों का भंडाफोड़ हो चुका था, सुशांत सच्चाई जान चुके थे। ये घटनाक्रम अगर सही है तो इससे सुशांत के परिवार के इन आरोपों को बल मिलता है कि रिया लगातार सुशांत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती रही और अपनी साजिशों में कामयाब भी रही। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।